चाचा शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने अजित पवार। पार्टी और सिंबल पर ठोका दावा, कहा राज्य की बेहतरी के लिए फैसला, 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया। भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद जनता के सहारे शरद पवार, कहा महाराष्ट्र के लोग देंगे जवाब, फिर खड़ी करूंगा पार्टी। ये बीजेपी की गुगली नहीं, रॉबरी है। एनसीपी में जारी उठापटक पर सुप्रिया सुले ने देर रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अजित पवार से मेरी बात हुई, अगर वो वापस पार्टी में आते हैं तो खुशी होगी, वो मेरे भाई हैं और उनके लिए हमेशा दिल में प्यार बना रहेगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग में कई बड़े फैसले पर लग सकती है मुहर। फ्रांस में थम नहीं रहा बवाल, बीती रात भी जारी रही हिंसा, उपद्रवियों का बम से हमला, कई दूसरे शहरों में भी हिंसा फैली।